हेलो विवेकियंस, हाउ आर यू? ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 7, लीनियर इक्वेशंस. ओके, सो टुडे वी विल कंटिन्यू, वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.2. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई वांट टू टेल व्हाट वी विल डू इन दिस एक्सरसाइज. वी विल सॉल्व हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. Yesterday I explained you one method to solve the linear equation, that is the trial and error method. And today, in today's session, we will discuss the another two methods to solve the linear equation, that is the elimination method and another is the transposition method. एलिमिनेशन मैथड मीन्स बैलेंसिंग इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं. अब आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए, बैलेंस का मतलब है कि जो दोनों साइड्स हैं कि वो दोनों साइड्स इक्वलेंट होनी चाहिए आपकी. तो इसी पे आप इसे एलिमिनेट का मतलब कुछ एलिमिनेट करना है जो हमें नहीं चाहिए. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास वेदर द टाइप ऑफ द मेथड इज गिवन इन द क्वेश्चन कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड, तो आपने वही मेथड अडॉप्ट करना है. अदरवाइज इट्स योर चॉइस. अगर उन्होंने लिखा सॉल्व एन इक्वेशन, तो आप कोई भी मेथड जो है आप यूज कर सकते हो. आपको विच मैथड यू लाइक मोस्ट, विच मैथड इज ईजिएस्ट फॉर यू, यू कैन सॉल्व बाय दैट मैथड. नाउ आई विल स्टार्ट द एलिमिनेशन मैथड. अब एलिमिनेशन मैथड को मैं सॉल्व करना आपको बताऊंगी कि एलिमिनेशन मैथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट देखें. यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी थी, 8(x+9)=72. आपका इस मेथड एलिमिनेशन का मतलब है वो नंबर एलिमिनेट कर दीजिए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एलिमिनेट दोनों साइड से होगा. ठीक है, तभी आपकी इक्वेशन बैलेंसिंग होगी. अब देखिए, हमने आप ऐसे एलिमिनेट करना है कि जिस साइड पे आपके पास एक्स है, एक्स सेपरेट कर देना है एक्स को. अब एक्स को अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो कैसे है कि जो इसके पास नंबर्स हैं यानी 8 और 9, इनको यहाँ से एलिमिनेट करना है. लेकिन इसका लिंक क्या है? अब 8 यहाँ पे क्या काम कर रहा है? 8 मल्टीप्लाई हो रहा है. अब मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड, तो आपने क्या करना है कि उसका ऑपोजिट ले लेना है. जैसे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8, दोनों साइड से 8 नंबर से डिवाइड कर दो, क्योंकि 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया, इधर भी किया इधर भी किया. अब 8 से जब डिवाइड करूँगी, 8 to 8 कैंसिल, तो क्या लेफ्ट रह गया? x+9. और इधर देखो 8, 9 से 72, तो 9 आ गया. अब आपने x को सेपरेट करना है. x को सेपरेट तब किया जा सकता है जब उसके साथ जो अनदर नंबर है वो हट जाए, एलिमिनेट हो जाए. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 9, प्लस का 9 है ना. अब प्लस का ऑपोजिट माइनस, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो. अब दोनों साइड से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस का 9 माइनस 9 कैंसिल, 9 - 9 = 0. बट याद रखिएगा, जो भी नंबर आप एलिमिनेट करो वो दोनों साइड से एलिमिनेट होना चाहिए. ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको एक और आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन का ही एच पार्ट देखिए, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, x-3/5+2=x+1/10. अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड ही x दे रखा है, पर मैं एक साइड का x जो है उसकी वैल्यू जो उसके आसपास नंबर्स हैं उनको एलिमिनेट करूँ. ठीक है, अब देखो ये सबसे पहले एलिमिनेट मैंने किया 2, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड का ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया. इधर भी किया तो इधर भी सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, अब जब इधर सब्ट्रैक्ट करो तो सिंपल है, कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो लेफ्ट क्या बचा, x-3/5. अब जब आप यहाँ पे करोगे तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो वी हैव टू टेक द एलसीएम, वी हैव टेकन एलसीएम, दैट इज 10. व्हेन वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन इट इज इक्वलेंट टू द x+1-20, एंड व्हेन एवर वी सॉल्व इट, इट इज इक्वलेंट टू द x-19/10. अब आपने एलिमिनेट करना है 5 को. 5 क्या हो रहा है यहाँ, डिवाइड, डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 5 टू बोथ साइड. अब दोनों साइड हमने 5 से किया, तो आपका 5 टू 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया.
ठीक है, अब इधर से भी कैंसिल करो, 5 वन ज़ 5, 5 टू द 10 कैंसलिंग हो गई। तो अब आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 19/2। अब मैंने इस 3 को एलिमिनेट करना, जब 3 को एलिमिनेट करूंगी तो आप देखिए 3 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट का ऑपोजिट ऐड, तो ऐड 3 टू बोथ साइड, दोनों साइड 3 को ऐड कर दिया, इधर भी इधर भी। जब ऐड किया तो ये तो कैंसलिंग हो गई, अब ये कैंसलिंग हो गई तो यहाँ पे क्या आपके पास आएगा, देखो एलसीएम लिया फिर हमने, ठीक है, तो आपके पास ये बना एक्स माइनस 13/2। अब आप देखो अगर आप यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 डिवीज़न में है, तो आप क्या कर दो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस 13। अगर अब हम वेदर बार बार एक ही स्टेप उठाती रहूँगी, यहाँ से 2 से फिर डिवाइड कर दूँ, तो आपके पास इधर भी डिवाइड करोगे तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी दोबारा से। तो अब हमें यहाँ पे दूसरा मेथड, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक ही क्वेश्चन में दूसरा मेथड, दैट इज़ अ ट्रांसपोजिशन मेथड। अब इस ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होगा कि x वाले टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, देखो ये 2x, ये प्लस का x था, ठीक है, x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब इट इज़ अ पॉजिटिव x, तो इधर आकर ये क्या बन गया, नेगेटिव x, ठीक है, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवीजन एंड डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लाई। तो आपका ये जो प्लस का एक्स है इधर आके माइनस का एक्स हो गया, तो 2x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 13। अब क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास पार्ट में दे रखे हैं वेरिफिकेशन भी करने को दिया हुआ है, तो अगर वेरिफिकेशन आ जाए तो क्या करना है कि जो आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को आपने स्टेटमेंट में पुट कर देना है, क्या कर देना है स्टेटमेंट में पुट, देखो ये स्टेटमेंट थी, मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी माइनस 13 माइनस 3, माइनस 3 तो गिवन ही था, बाय 5 प्लस 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 16 बाय 5 प्लस 2, ठीक है, इधर भी एक्स की वैल्यू हमने पुट करी माइनस 13, तो माइनस 13 प्लस 1 कितना बना, माइनस 12/10। अब मैं इस साइड को सॉल्व करके मेरा बन रहा है माइनस 6/5, वेदर इट इज़ कमिंग ऑन अनदर साइड दैट इज़ माइनस 12/10। अब इसकी कैंसलिंग कर दो, 2 से डिविजिबल है, 2 6 ज़ 12, 2 5 ज़ 10, बोथ साइड आई एम गेटिंग द सेम नंबर, -6/5 -6/5, इट मीन्स माई सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ एक्स इज करेक्ट, सो हैंस वेरीफाइड। ये था वेरीफिकेशन। अब मैं आपको समझाने लगी हूँ ट्रांसपोजिशन मैथड के, इट इज़ अ वेरी इजिएस्ट मैथड, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसी मैथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये टाइम लेस, टाइम ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ये बोला था सॉल्व एन इक्वेशन, तो आप किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो इंटरनल साइन विल बी चेंज, यानी 2x जो पॉजिटिव था बन गया नेगेटिव, प्लस का 5 जो था वो बन गया नेगेटिव एज वी ओपन द ब्रैकेट, बिकॉज बिफोर द ब्रैकेट नेगेटिव साइन वॉज देयर। सेम यहाँ पे किया मैंने, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड कर दिया, और विदाउट x वाली टर्म्स हैं जिनके साथ x नहीं है उनको दूसरी साइड किया। अब x माइनस 2x, अब इधर का माइनस एक्स बाई 2 इधर जब आएगा तो ये नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव बन जाएगा। अब जो इधर माइनस का 5 था, वेन एवर इट विल कम दिस साइड, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे इस x का डिनोमिनेटर नहीं है 1, इसका भी नहीं है 1, तो वी विल टेक द एलसीएम, एलसीएम लेके हमारे पास ये इसके इक्विवेलेंट आ गया। तो जब आपने सॉल्व किया तो 3x, देखो क्या बन रहा है हमारे पास, 2x प्लस एक्स इट इक्वल्स टू 3x माइनस 4x, पहले हमने x प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर लिया, ठीक है, तो अब आपके पास ये 4x में से जब आपने 3x माइनस किया तो माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 12। अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 टू द 24, ये माइनस एक्स, लेकिन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो माइनस का साइन है ये इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, -24। अब आप कहोगे कि मैम माइनस इधर आकर क्यों नहीं हो रहा प्लस, इसका भी रीज़न मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर माइनस जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 24 बाय, देखिए 24 बाय माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, अब माइनस 1 इधर आ गया डिवीजन में, तो अब जब 24 को माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट -24, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -24, ठीक है। इसी के साथ जैसा हमने एक और क्वेश्चन लिए,
यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो बाय बी सी एम यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को x माइनस 2 से कर दीजिए। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6। अब x वाले टर्म्स को x साइड कर लिए, ये 2x, ये प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x बना, और ये प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4। तो जब आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करके क्या बना, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस टू माइनस विल बी कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ द x इज 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 3 इस ब्रैकेट में जो नंबर्स है उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। लिंक पता होना चाहिए आपको, रिलेशन पता होना चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 टू द 6, 3 फोर द 12, ब्रैकेट में जितने नंबर हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होना है। इसी तरह माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 टी, ठीक है, और माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू टी 5 टी, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि एक्स टी वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, 60 ये माइनस का 2t तो इधर ऑलरेडी है। अब इस साइड से कौन सा टी वाली टर्म आ रही है, ये 5t, तो ये 5t प्लस का था इधर आके माइनस का 5t हो गया, ठीक है। इसी तरह इधर से जो थी विदाउट टी टर्म्स वो हमने सारी इधर ले आए, तो ये बना 60 माइनस 70 इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास एक्स टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 13। आई होप दीज क्वेश्चन आर क्लियर टू यू, एंड आपने एक्सरसाइज 7.2 के आपने सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। आपको जो भी मेथड इजी लग रहा है आप उस मेथड से सॉल्व कर दो, वेदर इट इज़ गिवन इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन में कि सॉल्व बाय ट्रांसपोजिशन तो आपने ट्रांसपोजिशन ही अप्लाई करना है, और अगर मैंने लिखा है कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन तो आप एलिमिनेशन से, अदरवाइज यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।